चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो है रिट्स। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने बताया था कि हम मिलेंगे आपसे जनवरी से, आज 1 जनवरी 2021 है और आज से हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल कंप्लीट नए तरीके से। कोशिश करेंगे हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बड़े सिंपल सिंपल टॉपिक्स हम चूज करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। अभी हाल ही में 66th BPSC कंडक्ट हुआ था, प्रीलिम्स 27 दिसंबर को ये कंडक्ट हुआ था और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसके कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 92 to around 100। सो लेट्स सी क्या होता है। जैसा कि आपने पेपर एनालाइज किया होगा, इसमें अगर आपका हिस्ट्री करंट एंड साइंस, अगर ये तीनों आपका स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं रोक सकता है आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने से। और ये तीनों तब स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपके आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की होगी, काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। सो हम उस पर भी ध्यान देंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से एक आज बहुत ही सिंपल टॉपिक जो है हमने चूज किया है, वो है रिट्स। रिट्स क्या है? ये एक टाइप का ऑर्डर है, इसे कोर्ट जारी कर सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये रिट्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और जो हाई कोर्ट जारी कर सकता है, इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा, जाहिर सी बात है। रिट्स का प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स के अंदर है, वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इसे एनफोर्स कराए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रिट्स में आती है, सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप है यहाँ पे हाई कोर्ट्स का। हाई कोर्ट्स की अपनी लिमिटेशन भी है, उनकी अपनी जुडिशियल टेरिटरी है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है जोधपुर में, उनका टेरिटोरियल रीजन जो है विद इन राजस्थान है, वो राजस्थान के ही किसी मामले में रिट जारी कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट है, वो सिर्फ बिहार के ही मामलों में रिट जारी कर सकती है। लखनऊ हाई कोर्ट है, सॉरी इलाहाबाद बेंच है, वो यूपी के मामलों में रिट जारी कर सकती है। सो ये जो हाई कोर्ट्स हैं, इनकी अपनी जुडिशियल टेरिटरी है, उसके अंदर ये रिट जारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं, ये रिट जारी करने का जो इनका पावर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है
वो दोनों के लिए कर सकता है, दैट इज फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर्स. सुप्रीम कोर्ट जो है वो विद इन इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी किसी भी मामले किसी भी फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ अपने टेरिटरी में जो फंडामेंटल राइट्स हैं या अदर मामले हैं उनके लिए रिट जारी कर सकता है. आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है अपने आप में, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, जबकि आर्टिकल 226 में जो पावर्स दिए गए हैं हाई कोर्ट को रिट जारी करने के, उसमें वो डिनाई भी कर सकता है क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिट. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर्स. हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली इन द केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट. सो ऐसे घाल मेल करके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको उलझाने के लिए, और जो सही होगा, जो क्वेश्चन सही करेगा उसी का सिलेक्शन होगा. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी. थोड़ा सा भी ध्यान हटा और हो जाएगा क्वेश्चन सही से गलत, और आप हो जाएंगे कंपटीशन से बाहर. कंपटीशन में एक एक मार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक थ्रेशोल्ड तैयारी चाहिए होती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही थ्रेशोल्ड प्रिपरेशन चाहिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. एक बार वो थ्रेशोल्ड तैयारी हो गई, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा. यू विल बी सेलेक्टेड 100% श्योर. सो हम चाहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचे, ऐसी तैयारी हो जाए कि उस थ्रेशोल्ड लेवल के आगे पहुंच जाए, ताकि कभी कोई दिक्कत आए ही ना. जो लोग 66th BPSC दिए होंगे, अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करेंगे. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो बस बनना ही है. हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान. वरदराज की कहानी है, काफ़ी मूर्ख बालक था, कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो आगे चल के विद्वान बना. उसने सीख वहीं से ली, पत्थर इतना हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन एक रस्सी के आने जाने से भी उस पर निशान बन जाते हैं. तो ये कंपटीशन क्या चीज़ है, कब तक सताएगी, एक ना एक दिन तो निकल ही जाना है. चलिए देखते हैं रिट्स. 5 टाइप के रिट्स आज हम देखेंगे, हिबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसोरे, क्यूओ वारंटो. हिबीस कॉर्पस का मतलब होता है
टू ब्रिंग द बॉडी। आप देखते होंगे किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो बोला जाता है कि इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। क्यों? क्योंकि वो हिबिस कॉर्पस के अंदर अगर वो नहीं करता है देन द कोर्ट मे इशू रिट टू ब्रिंग द बॉडी, मीन्स टू प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। अगर लीगली किन केसेस में इस टाइप का काम नहीं किया जा सकता है, मतलब कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकते, जैसे डिटेंशन, मीन्स उनको फ्री करने के लिए नहीं बोल सकता है, जैसे डिटेंशन लॉफुल है, हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, ये कंटेम्प्ट है कोर्ट का, या कोर्ट ने ही आदेश दे रखा है कि इस आदमी को डिटेन किया जाए। हिबिस कॉर्पस सीधा सीधा मतलब टू ब्रिंग द बॉडी। किसी को भी डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए ये हिबिस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसमें दिया जाएगा अ पर्सन हैज बीन केप्ट इन इलीगल डिटेंशन, विच टाइप ऑफ रिट अ कोर्ट में इशू, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यूरो वारंटो, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, सो दिस टाइप ऑफ, दैट इज द आंसर इज हेबियस कॉर्पस। पहला रिट हमने देख लिया, अब देखते हैं अगला मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए तब यूज किया जाता है जब वो अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा हो। इट इज इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और अ पब्लिक ऑफिशियल कमांडिंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन जो है हाईवे में चली गई, अब आपको मुआवजा मिलना है, अब आप चक्कर काट रहे हैं बार बार ऑफिस के, भू अर्जन विभाग है उसके, आप बार बार चक्कर काट रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो भू अर्जन विभाग को या उस पदाधिकारी के खिलाफ मैंडमस जारी कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कीजिए। ये मैंडमस, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये इशू नहीं होगा। कोई डिपार्टमेंटल है इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो कराने के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके, आप किसी बैंक में काम करते हैं और आपके रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर या आपके ब्रांच मैनेजर आपको संडे को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको संडे को आना पड़ेगा, तो ये आपके डिपार्टमेंट का इशू है, इसको एनफोर्स नहीं करवा सकती है, इसके लिए कोर्ट जो है मैंडमस इशू नहीं करेगी, डिपार्टमेंटल्स ऑर्डर इशू करने के लिए नहीं करेगी, उसका स्टेट्यूटरी फोर्स होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, उस का वायलेशन हुआ है, तो उस केस में भी मैंडमस इशू नहीं होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए मैंडमस इशू नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी एग्जेम्प्टेड हैं, इनके खिलाफ भी मैंडमस इशू नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा हिबिस कॉर्पस और मैंडमस। हिबिस कॉर्पस इलीगल डिटेंशन, मैंडमस ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट, गवर्नमेंट ऑफिशियल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कमांड देना कि आप अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें।
अब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, रोकना, मना करना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन नाम से ही स्पष्ट है प्रोहिबिशन। इसमें हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कोई जजमेंट देने से मना कर देती है, अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है, पार्शियलिटी की गई है, कुछ गलत हुआ है, तो उसको मना कर देती है अपने जजमेंट देने से। और ये जो प्रोहिबिशन और शर्शरी हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें तो प्रोहिबिशन के अंदर हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को मना करती है, जबकि शर्शरी में हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से केस मंगा सकती है या उनके ऑर्डर को क्वेश कर सकती है। ये तो इसमें तो ये क्या है कि ओनली प्रिवेंटिव है, और शर्शरी ये क्यूरेटिव भी है। उसने जैसे कोई केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो वो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट अपने पास मंगा लेगी और फिर खुद ही देखेगी। दैट इज़ एक तो उन्होंने प्रिवेंट भी कर दिया और क्योर भी कर दिया। सो शर्शरी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिट्स, उसमें आ सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है प्रिवेंस, प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव वाइल शर्शरी इज क्यूरेटिव, क्यूरेटिव ओनली। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शर्शरी ओनली क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं क्यूओ वारंटो, इसका मतलब होता है विथ व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये इशू होता है कोर्ट द्वारा कि आप इस पद पे किस अथॉरिटी से आप बने हुए हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी। इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम फॉर अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि आप इस पद पे बने हुए हैं किस अथॉरिटी से, कितना आपका क्लेम लीगल है। इस टाइप के केसेस में क्यूओ वारंटो इशू हो सकता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप किस अथॉरिटी से इस पद पे बने हुए हैं। बड़ा सिंपल था रिट, एक बार वापस से आप पढ़ लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक छोटा सा हम ट्रिक देख लेते हैं याद करने का, शेड्यूल्स। सिर्फ एक बड़ा सिंपल ट्रिक है, ये शेड्यूल्स को याद करने का ट्रिक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो गया टेरिटरी, ई से हो गया एम्यूलमेंट टेरिटरी, आप जैसे कि जानते होंगे 12 शेड्यूल हैं, उन्हीं 12 शेड्यूल्स का ये ट्रिक है। ए से हो गया अफर्मेशन, आर से हो गया राज्यसभा, एस से हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से हो गया अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स, ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स, लैंड
लैंड रिलेटेड टू लैंड, डी से हो गया एंटी डिफेक्शन, पी से हो गया पंचायती राज, एम से हो गया म्यूनसिपैलिटी। बड़ा सिंपल है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती हैं, इसलिए अगर आप ट्रिक्स याद करते हैं तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेरिटरी एमोल्यूमेंट, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड, एंटी डिफेक्शन, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। होप कुछ हेल्पफुल रहा होगा, कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर्स में और इम्प्रूवमेंट आए। और जैसा कि मैंने बोला है, इकोलॉजी और दूसरी क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। अभी मुझे याद है सब, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह, वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।